सो गाइस पहली चौकी बैठ चुकी है खाना खाने। रेड भी है ना 43। घर वालों ने बनाया देसी घी का हलवा। पटाखे फटाए। ओ आउट हो गया। आज भाभी नहीं आ रही क्या? यार ये भाई हमारा कौन सी वाली भाभी? एक बार आती है फिर हम छोड़ एक पीस दो रसमलाई का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हालत ख़राब और आज है दिवाली। आज दिवाली है भाई, मैं इतने लेट उठा हूँ, आज 9 बज चुके। तो पहले जाता हूँ, थोड़ी कंडीशन जो मेरी ख़राब हो रखी है वो ठीक करके आता हूँ, नहा के आता हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नहा के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया हो। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। ये दिवाली क्या, हर दिवाली आप अच्छी अपने घर में खुशी से मनाएं, आपका जीवन सुख शांति में रहे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है हमारे घर से। तो आपका भाई जो है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील शूट करनी थी, वो भी मैंने शूट कर ली है। जल्द से जल्द जाएँ, अगर देखनी है आपको तो विद उत्कर्ष शर्मा के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए आज के मेरे व्लॉग में, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन, कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो एक कमेंट मेरे लिए भाई, कैसा लग रहा हूँ मैं आज, ठीक है? तो एक प्यारी सी स्माइल भी दें और बने रहिए साथ। सो गाइज, अभी ना मैं निकल रहा हूँ चौक वाली साइड, क्योंकि घर वालों ने भाई कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया है। तो चलिए भाई पहले ले आते हैं सामान और करते हैं स्कूटी स्टार्ट। तो अभी ना मैं भाई चौक वाली साइड जा रहा था, तो अपने कुछ छोटे भाई मिले, इनको भाई हैप्पी दिवाली आप सबको। हैप्पी दिवाली। और कैसी चल रही है भाई आप सबकी दिवाली? बहुत मस्त चल रही है। थोड़ी देर पहले आती है, ओ देख अभी कह रहे हैं कि छोटे के थोड़ी देर पहले आते हैं। हाँ क्या बात है, चलो मैं आता हूँ चौक से, फिर शाम को बैठे बाबा, ठीक है? ओके बाय। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर और मम्मा हमें खाना बना के दे रहे हैं। क्या बनाया आज ये शेफ हमारे, सुबह से लगे हुए, क्या बनाया आपने? पनीर मशरूम। अच्छा पनीर मशरूम, ये देखिए सुबह से बाल खोल के आपने खड़ी, इधर चल कर हाय कर पहले, चल डर आना लोग इधर। सो गाइस पहली चौकी बैठ चुकी है खाना खाने के लिए। हाँ जी इधर देखो सारे, पहले सारे देखे हाय करो इधर, रोहन जी हाय करो इधर, चावल लो थोड़े से। ये बना है भाई। सो गाइस बना क्या क्या, राजमा चावल दम आलू, ये क्या मशरूम गोभी भिंडी भिंडी, कुछ छोड़े कुछ छोड़ दो नहीं क्या, हलवा किधर है, पूड़ी हलवा। फिलहाल के लिए भाई मुझे लगी है भूख, पहले मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद कर मिलते हैं आपको। सो गाइस सब्जी इतनी कि समझ नहीं आ रही भाई, मैंने उठा लिया पनीर दम आलू मशरूम और साथ में मैं लूँगा रायता, तो चलिए खा लेते फटाफट। सो गाइस अभी बज चुके हैं भाई दोपहर के 3 और मैं खड़ा हूँ अभी अपने घर के बाहर, जो रोड है वहाँ खड़ा हूँ। और खड़ा क्यों, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है मेंडर से आने वाली, उसमें आ रही है हमारी टीवी, और मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है? मम्मा तो सोच रहे हैं कि मैंने कहा था मैं टीवी अभी मतलब आने में कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे, ठीक है? तो मैंने कल भैया को कॉल किया, भैया जम्मू से डाल के मैडर तक ले आए थे, अभी जो है मैडर से हमारी गाड़ी आ रही है टीवी की, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है मम्मा का आज। सो गाइस अभी इनको पता ही नहीं, ठीक है आई ना टीवी, ठीक है अच्छा। रेड भी है ना 43 इंच, कौन साइड लगाए आपके रूम में, इधर इधर रूम में, चलो करें ओपन, चलो जी शौक तो नहीं है तो तुम्हें पता था ना। चलो आज
सो गाइस जो है हमारी टीवी वो आ चुकी है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ लगाया जाए, यहाँ के लगाएं तो स्पेस कम पड़ जाएगी, मैं सोच रहा हूँ मम्मा के रूम में ही लगाई जाए वहाँ पे। और ये रहा इसका रिमोट, अभी जो टीवी फिटिंग वाला है भाई वो कंपनी की तरफ से जो आएगा वो पता नहीं कब आएगा, आज आता है कल आता है, आज का तो मुझे नहीं पता कि आज दिवाली है, आज तो कोई नहीं आने वाला। तो भाई भाई सब घर वालों ने बनाया देसी घी का हलवा, तो फटाफट से खाते हैं हलवा और फिर भाई सोच तो कहीं दूर की है, पुंछ की तरफ चलते हैं ना चक्कर लगाने। तो गाइस अभी का कुछ इस तरह है कि अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से अपनी स्कूटी पे, और सुबह से मैं सोच रहा था पुंछ जाया जाए, अभी लगभग 4 बज गए हैं, तो चलिए फिर भी पुंछ तो जाएंगे जाएंगे। तो एक चीज़ सच में मिस कर रहे हैं वो है अपना बचपन, क्योंकि बचपन के जो दिन होते हैं वो दिवाली मनाने के वो कुछ अलग ही होते हैं। और ओके सर ओके, तो मतलब बचपन में ना दिवाली की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल पर रहती थी, दिवाली चाहे 10 दिन बाद होती थी बस तैयारियां जो है ना वो 10 दिन पहले ही करना स्टार्ट कर देते थे भाई, पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते थे, दिवाली आएगी ये करेंगे वो करेंगे, खूब सारी मस्ती। तो वो चीज़ मैं क्या हर कोई मिस कर रहा होगा, क्योंकि बचपन जो है वो वापस नहीं मिलता और ना ही भाई टाइम वापस आता है। तो चलिए यार जो है उसको इन्जॉय करिए, तो अभी निकलते हैं हम अपनी पूंछ वाली साइड, पहले चौक में देखते हैं क्या हिसाब है। अभी का क्या है कि मैं पहुँच चुका हूँ भाई चौक में, और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है जो कि चौक का, फिलहाल के लिए मैंने रुकना तो नहीं है यहाँ पे, अब सीधा हम यहाँ से निकलेंगे पुंछ वाली साइड। तो ना एक कहावत है कि बचपन चला गया जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी कहीं चली गई। निकलते हैं और सीधा आपको ना मिलते हैं चल के पुंछ। गाइस पुंछ तो भाई पहुँच चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप इतना जाम, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी है ना दिवाली के जो भी क्रैकर्स वगैरह लगाए जाते हैं वो ITI ग्राउंड में लगाए जाते हैं, वहाँ भी लेके चलेंगे आपको कुछ टाइम बाद। पहले हम थोड़ा जा रहे हैं वंश भाई को लेते हैं साथ में, इस तरह यहाँ से निकल जाएं। फाइनली निकल चुके हैं भाई यहाँ से, ओ माय गॉड इतनी गाड़ियाँ इकट्ठा हो रखी थी ना वहाँ पे ग्राउंड के बाहर। दिवाली हैप्पी दिवाली। तो आप इतने सैड क्यों बैठे हो आज? क्या हो गया आज आपको? कुछ नहीं हुआ। फिर भी क्या हो गया, आपने कम खाया क्या? क्या हो गया आपको बताओ ना, अच्छा बताओ ना क्या हो गया आपको बताओ ना। ऐसे आप इतने ना मायूस हुए अच्छे नहीं लगते भाई। विराट कोहली विराट कोहली का ये बहुत बड़ा फैन है ये देखिए, इसलिए आज दिवाली शिवाली सब छोड़ के है, दिवाली छोड़ के यहाँ पे बैठा है क्रिक बस। पटाए को बम पटाखे फटाए, आउट हो गया, अब शौक लग गया इसको भाई, भूजी के घर। तो अपने जो भाई है वंश भाई वो भी कल जम्मू से आ चुके हैं, और हमारे एक और भाई है दिल्ली से, नाम मुझे भूल गया इनका, हाँ बिलाल भाई, जो की दिल्ली से आए। ठीक है तो आपको मिलवाते भाई उनसे। सो गाइस इनसे मिलिए, ये हैं अपने वंश मेहता, काफी व्लॉग में मेरे आ चुके हैं जानते हो, और ये अपने भाई जो कि दिल्ली से कल आए परसों आए हो, कैसा रहा भाई आपका सफर? ओके तो पहले तो मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू मेरे भाई। तो चलते हैं फिर निकलते हैं कहीं बाहर, है ना। यार भाभी फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता भाई, हमारा कौन सी वाली भाभी की बात कर। मैं चाहता हूँ कि वो भी जल्द वंश की जो भी ये कह रहा है भाभी आए, तो है वंश अगर भाभी फिलहाल छोड़ा हो रहा है अभी नहीं, मतलब जब भी आती है अभी तो कौन से वाली की बात हो रही है वैसे? नहीं नहीं कौन से वाली की। तो आपको क्या लगता है व्लॉग में आना चाहिए वंश? हाँ भाई क्या वो मेरी व्लॉगिंग पार्टनर होगी? पक्का उसके आने से मेरे व्लॉगिंग चैनल की आन बान शान। क्या क्या मैं पहला वर्ड बता दूं? नहीं नहीं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बता दिया तो रहेगा क्या? अभी का क्या है ना भाई, हम पहुंच चुके हैं ITI ग्राउंड, और देख सकते हैं यहाँ पे अब क्राउड शाम के टाइम में ज़्यादा होता है यहाँ पे, सभी अपने घरों से निकलते हैं बाहर और बम पटाखे वगैरह लेने हैं ना, क्योंकि मेरे को भाई लगता है डर, इसीलिए मैं तो नहीं ले सकता। आज रात को होगा क्या होगा भाई? मौत का नंगा राज। आहो बड़ा हरामी हो बेटा। ये आ चुके हैं हमारे भैया जितिन भैया, क्या हाल है महाराज आपका? ठीक हो? तो पहले तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली, और सब बढ़िया चल रहा है? ओके। तो गाइस इसी तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी है बीच में, और यहाँ चल रही है क्रिकेट, खड़ा करो भैया बॉलिंग आप। चलिए यार एक छोटा सा ना ग्राउंड का आप राउंड लेते हैं, है ना भाई भैया लेना चाहिए ना,
वंश भैया बिजी अब अपनों के साथ, अपनों के साथ अपने नहीं अपनों के साथ, अपनों के साथ कुछ पाले हाँ जा रहे। तो भाई क्या बोल रहे हो भाई, चेक है तो फिर वत्सल भी निकल आएगा। सो गाइस अभी भाई मुझे लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमने तो कुछ लेना नहीं है, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा। तो क्राउड देख सकते हैं भाई धीरे धीरे करके ना और ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए कहीं और चलते हैं। मेरा मतलब है हम आए थे ऐसे ही घूमने यार, देखने आए थे क्या हिसाब चल रहा है भाई, है नहीं अपने में हमें मत जोड़िए अलग है। हाँ हाँ बेइज्जती कर रहे हो क्या तुम लोग मेरी, हाँ तो मतलब कहना क्या चाहते हो, तो मतलब कहना क्या चाहते हो आप, हाँ आपने बताया नहीं हमसे ये दिवाली कैसी चल रही है। हाँ। दिवाली ठीक चल रही है मेरी, अभी 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 कौन सी साइड चला जाए क्या बोलते हो आप। चलो यार जहाँ भी चलते हैं देखते रहिए मेरा व्लॉग। तो अभी का कुछ इस तरह है कि मैं आया था भाई अपने भाइयों के साथ चक्कर लगाने को, अभी पुरानी पुंछ वाली साइड, तो अपने यहाँ भाई मिले हैं, चलो आपको उनसे भी मिलवाते हैं। जिनसे मिलिए ये है हमारे रमन भैया, तो क्या हाल है महाराज आपका, तो कैसी चल रही है दिवाली आपकी, ठीक है आवाजें आ रही होंगी आपको, ये भाई हमारा लगे ये देखना भाई पुरानी पूंछ वाली साइड ना कुछ इस तरह की दिवाली मनाई जाती है ना। तो ये आपने हाथ में क्या पकड़ा है, छोटू बच्चे वाली, तो सही यार दिवाली भी आपको भी सही वाली नहीं मिली है क्या, नहीं दिवाली साल में एक बार आती है फिर हम छोटे बच्चे वाली पूरी करते। चलो ठीक है और सब बढ़िया घर में सब बढ़िया, चलो ठीक है मनाओ भी अच्छे से दिवाली, ठीक है ओके। तो गाइस अभी ना ये दोनों भाई हमारे, खास कर ये जो आगे बैठे हैं बिलाल भाई, ये कह रहे हैं वहां जाने के लिए, दिखाई दे रहा है कुछ वो जहाँ पे बर्फ पड़ी है ना उधर ही जाना है। बिलाल भाई कहाँ जाना है आपको भाई, अभी तो सामने नहीं, अभी तो सामने जाना है, वो कह रहे हो ना आप जहाँ पे बर्फ पड़ी है ना भाई। पीर की गली, चलो कोई नहीं नेक्स्ट ट्रिप बनाते हैं भैया ना, कल या परसों तक बनाते हैं, चलते हैं आपको लेके पीर की गली। सो गाइस अभी ना हम पुंछ से निकल के आ चुके हैं मंगनाड़ वाले एरिया में, जहाँ के ये जगह है भाई काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, तो इसको क्या कहते हैं हम देरियाँ भी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। एक चीज़ को हम इतना ढूंढ रहे थे भाई, इतना ढूंढ रहे, जिस भी होटल में जाए वहाँ वो चीज़ मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो स्पेशली जो है वो हमारे बिलाल भाई ढूंढ रहे थे अपने लिए, है ना बिलाल भाई को खानी थी, वो भी दिखा देते आपको नहीं, नहीं, ये रसमलाई। तो लास्ट में जाके आखिर हमें अमूल की रसमलाई लेनी पड़ी। भैया क्या है इसमें इतना खास, क्या है क्या ये दिल्ली में नहीं मिलती क्या किया दर है उत्कर्ष भाई का, किया दर है हाँ ये कंटेंट के चक्कर में कर रहा हूँ हैं। तो उसके साथ ये हमारे भाई कुछ भूख लगी थी, ये हमने पैक करा ली अपने जो कि हर बार मोमोज ही खाते हैं और क्या खाना है और कोल्ड ड्रिंक, तो खा लें फिलहाल क्योंकि भूख लगी है भाई थोड़ी, दिन को मैं खाना खा के निकला था उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, तो उसके बाद हम निकलेंगे घर, तो देखते हैं क्या सीन रहता आगे का फिर। तो ये लो सर भाई ये लो पकड़ो दो दो, अच्छा साथ में इनको एक पीस दो रसमलाई का कोल्ड ड्रिंक सर क्या खानी, मट्टी मट्टी खानी है भाई, ये बर्फ बनी है कोई चक्कर नहीं खा लेगा अपना भाई बिलाल भाई को वैसे ही बर्फ पसंद है बिलाल भाई कोल्ड ड्रिंक के साथ ये बातें बताई नहीं जाती, कोल्ड ड्रिंक के साथ छोड़ो यार अभी, वैसे भी ये खा ले ये सेम में ये गर्म है ये खोल ले इसको, चलो इसमें वो क्यों कर रहे हो आप वीडियो बनाने वाले, यार वीडियो बनाने वाले तो है इसमें हमें देख के, ये कुछ देख के तो लोग हंसते हैं भाई और क्या हंसते हैं, क्यों भाई भाई यही तो लोग देखते हैं ऐसे कौन देखता है हमें, तो चलिए यार पहले हम खा लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं भाई आपको। हमारे साथ धोखा हो गया, ये जो रस मलाई थी भाई पूरी तरह से जमी हुई है, इधर आ जा इधर आ जा, आ जा आ जा आ जा, ये ले आ जा आ जा, ये ले आ जा। खा ले रस मलाई ये, तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और ये आप देख सकते हैं मम्मा ने जो है वो पूरे दिए लगाए हैं, क्योंकि मेरे घर में भाई कैंडल्स कम लगाई जाती हैं और जो दिए हैं वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, और सच में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं ना।
साइड हो जाओ। क्या हो गया इसको? जल जाएगा जल जाएगा, आराम से चला इसको। साइड हो, चलो जी तेरा तीसरी ट्राई। चल चल चल, फिर भी नहीं। ओहो ओले। अच्छा मुझे बताओ, बिना डरे आप ये काम कैसे कर लेते हैं? ऐसे फिर डर तो नहीं लगता। क्यों डर लगता? अगर ये आपके हाथ में फट जाए तो? ये सिर्फ मूर्ति है। नहीं, अगर हाथ में, अगर आपका हाथ जल जाए तो? तो जाओ अब आप अपना वो, अब अपना सामान ले आओ और सबको दिखाओ कितना सामान आपके पास। सत्य बता रहा हूँ, बम से मुझे इतना डर लगता है भाई, मैं बता नहीं था, इसीलिए मैं बम बिल्कुल नहीं फोड़ता। और ये बंदा बिना डरे, मैंने सब में बोल रहा हूँ, आज बम बिल्कुल नहीं लाए, क्योंकि मैं आज मानव के साथ दिवाली मनाऊंगा, है ना। हम फटाएंगे दोनों बम छोटे छोटे, क्योंकि मेरे को बड़े बम से डर लगता है ना। क्या अब तो कौन सा बम लगाएगा? क्या लगा? पहले आप मुझे बताओ कितना सामान है आपके पास? हमारे पास ये पूरा लिफाफा मानव का भरा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक इस बंदे ने अपना सामान इकट्ठा किया पूरा। अब ये अच्छा मानव मुझे बताओ इस बम का क्या? इसका नाम है कुक्कड़, कुक्कड़ का बड़ा वर्जन। क्या नाम है इसका? कुक्कड़ का बड़ा वर्जन। चल ठीक है, चला इसको लो, इधर लो। आराम से साइड हो जाओ, बाकी छोड़ दो। चल देखिए अब हर जगह बस भाई पटाखे फटने की आवाज आ रहे हैं। और भाई अगर मैं बताता चलूँ आपको, कई बार ना मुझे ये सोच के डर लगता है। अभी आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, सो गाइज ये इस दिवाली का मेरा पहला बम बम भी नहीं है, अनार है ये, है ना। हाँ यार, क्योंकि मुझे बार बार डर लगता है ना। हाँ तो गाइज ये डाल रहे, गाइज ये इनका ना नीचे चल के जाओ, नीचे लग के चलो, चल जा फिर क्या। जलाने जा रहे सुरसुरी, अब हम जलाएंगे सुरसुरी, तुरतुरी तुरतुरी सुरसुरी सुरसुरी जलाएंगे ना हम अभी तेरे नाल थके। जली मानु जी, गाड़ी चल चुकी है। हैप्पी दिवाली। क्या हाल है? भाई मुझे लग रहा है डर। ए भाई मतलब दो बम जला के मेरे अंदर हिम्मत आ गई है कि मैं बम जला सकता हूँ, अब हम जलाएंगे ये अनार। गाइस अभी हम जलाने जा रहे हैं हवाई रॉकेट। नहीं चला गया, जाएगी, आग लग चुकी है। आप दूर रखे हो लग सी ने बम थोड़ी है ना। यस थोड़ी सी आवाज सुनेगा आप, ठीक है। सो गाइस ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ भाई दिवाली तो हम मना रहे, अगर कभी इंडिया पाकिस्तान ने दिवाली मनाना स्टार्ट कर दी को तो हमारा क्या होगा। ये बॉर्डर लाइन है और वो सामने देख रहे हो ना आप, वो जो लाइट वो सारा पाकिस्तान है, ठीक है। तो सो गाइस आज का ये जो हमारी दिवाली थी और जो दिवाली पे व्लॉग था वो काफ़ी बढ़िया रहा। आप सबको एक बार फिर से उत्कर्ष शर्मा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ये दिवाली के हर दिवाली आपके जीवन में खुशियां लाए। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ,
तो आई होप आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। जो चैनल में नए जल्द से जल्द जाएं सब्सक्राइब करें। काफ़ी आज सच में यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस दिवाली पे। बम आपको पता है पटाखे मैं कम फोड़ता हूँ थोड़ा सा, तो बहुत जल्द आएंगे एक नया व्लॉग, एक प्यारा सा व्लॉग। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तो अपने घर फटाएँ बम, अच्छे से दिवाली मनाएँ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।